आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। समाचार दर्शन के आज के अंक में हर बार की तरह इस बार भी हम पिछले हफ्ते की कुछ खास खास कुछ हटके खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 7 चरणों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव हुए और अब बारी है वोटों की गिनती की। जम्मू संभाग में 2 जगहों पर वोटों की गिनती होगी, एक तो जम्मू जिले में और दूसरा कठुआ में। इस बारे में क्या क्या तैयारियां हैं, कहां तक तैयारियां पहुंची हैं, ये जानकारी लेकर हमारे जम्मू संवाददाता अंकुश शर्मा और कठुआ से प्रदीप कुमार। पूरे देश की तरह उधमपुर डोडा कठुआ पार्लियामानी हलके के लिए 4 जून को वोटिंग की गिनती का काम सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा और 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। वोटों की गिनती करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में, जहां पहले से ही ईवीएम को स्ट्रांग रूम में बेहतर सुरक्षा प्रबंधों के बीच रखा गया है, वहां पर उनको खोला जाएगा और उनकी गिनती का कार्य शुरू होगा। उधमपुर डोडा कठुआ पार्लियामानी हलके में 18 असेंबली हलके हैं और जिसमें 5 जिले हैं, जिसमें कठुआ, उधमपुर डोडा, रामबन और किश्तवाड़ है। और इन 5 जिलों की ईवीएम्स जहां पे रखी गई हैं और इन ईवीएम को सुबह 8 बजे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गिनती के समय खोला जाएगा और उसके बाद गिनती का कार्य शुरू होगा। इन तमाम कार्यों को पूर्व सुचारू रूप से करने के लिए जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 225 टेबल बनाए गए हैं और 10,000 चुनावी कर्मचारियों को इस मौके पर काम पे लगाया गया है, ताकि ये काम बेहतर ढंग से किया जाए और पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और काम भी बेहतर और सुचारू ढंग से चलता रहे। इस पूरे काम पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं और हर प्रकार की जानकारी के लिए एलसीडी स्क्रीन भी लगाई गई है, ताकि कोई भी अगर जानकारी होती है तो उसको इस स्क्रीन के माध्यम से साझा किया जाए। देखा जाए तो चुनाव के दौरान कठुआ जिला में 16,23,195 मतदाता थे, जिसमें 11,08,206 वोट जो थे वो पोल हुए और इसकी जो शरह थी वो 68.27% रखी, जो कि एक सबसे बड़ी शरह मानी जाती है। और इस हिसाब से वोटों की गिनती की जाने की 11 लाख वोटों को गिनने के लिए एक निश्चित समय चाहिए, लेकिन ईवीएम के माध्यम से जैसे ही गिनती शुरू होगी तो उसमें एक अलग तरह का माहौल पैदा होता है और जल्द जल्द से नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। और तमाम जानकारी के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे 4 जून के लिए और आपको बताएंगे कि किस प्रकार चुनावों की गिनती का कार्य चल रहा है और किस प्रकार ईवीएम से वोटों की गिनती के बाद नतीजे आपके सामने आएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए कठुआ से मैं प्रदीप कुमार। और अब जम्मू में हुई तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे जिला संवाददाता अंकुश शर्मा। 4 जून को इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं। देश भर की जनता की नजरें रुझानों पर रहेंगी। इसी बीच जम्मू में भी काउंटिंग सेंटर तैयार हो चुका है। जम्मू के एमएएम कॉलेज में 4 जून को काउंटिंग होगी, जहां कई उम्मीदवारों की किस्मत का लेखा जोखा ईवीएम में कैद है। बीजेपी पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। मीडिया और सिक्योरिटी के लोगों के अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। और बीती शाम तक जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। जम्मू की जनता में रिजल्ट्स को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। समाचार दर्शन के लिए जम्मू से अंकुश शर्मा। श्रोताओं, चुनाव की सरगर्मियां तो पिछले लगभग 2 महीने से जारी थीं और अब अपने समापन की ओर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उस गर्मी की जो सभी के सर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ, उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी और विशेषकर जम्मू संभाग में भी गर्मी नित नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है और लोगों पर दिन ब दिन कहर ढाती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्कूलों का पहले समय चेंज किया गया और उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां डाल दी गई। लोग ज्यादातर घरों के अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं। इसी गर्मी पर एक रिपोर्ट लेकर उधमपुर से हमारे जिला संवाददाता अचिन दुबे। भीषण गर्मी का प्रकोप देश व प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह उधमपुर में भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोग सुबह 11 बजे के उपरांत घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जिस कारण बाजार भी सुने सुने नजर आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों के कारोबार पर काफी असर देखने को मिल रहा है।
वहीं शाम को 6 बजे के उपरांत बाजारों में कुछ रौनक दिखती है। भीषण गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ कई समस्याएं पूरे जिले में प्रारंभ हो गई हैं। इनमें सबसे मुख्य समस्या जंगलों में आग लगने की नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से बढ़ती गर्मी के कारण उधमपुर के आसपास के जंगलों में कई विशाल आग देखने को मिली, जिस कारण पेड़ों और जंगली जानवरों का काफी नुकसान हुआ। वहीं भीषण गर्मी के कारण पानी की किल्लत भी प्रारंभ हो गई है। जल शक्ति विभाग द्वारा कई क्षेत्रों में सप्ताह में 1 से 2 दिन ही पानी सप्लाई दी जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जीवों को भी बेहाल करना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए उधमपुर में स्थित हिरन पार्क में रखे गए हिरनों की खुराक में बदलाव किया गया है। इन दिनों डियर पार्क में हिरनों की फीड में जहां ग्लूकोज को मिलाया जा रहा है, वहीं नियमित रूप से उनको तरबूज और खीरे खाने के लिए दिए जा रहे हैं। साथ ही हिरनों के आराम के लिए बनाए गए शेडों को ठंडा रखने के लिए नियमित अंतराल पर शेड की घास पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न दुकानदारों की एसोसिएशनों ने गर्मियों की छुट्टियों पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 1.5 महीने की छुट्टी बच्चों के लिए घोषित कर दी गई है। वहीं लोगों ने गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जाना शुरू कर दिया है। पंचहरी व पत्नीटॉप में काफी पर्यटकों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उधमपुर से अचिन दुबे। श्रोताओं, मौसम विभाग ने भी लोगों को सलाह दी है कि वो दिन के समय घर से बाहर ना निकलें, खूब पानी पिएं और वो सभी जरूरी एहतियात बरतें जिससे गर्मी से बचाव हो सकता है। मौसम कार्यालय जम्मू के प्रभारी एससी शर्मा ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा, जो कि इस समर सीजन का अधिकतम तापमान है, ये हीट वेव लाइक कंडीशंस जम्मू में प्रसिस्ट कर रही हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, वेल हाइड्रेटेड रहें, समय समय पर पानी, नींबू पानी, अपने आप को उन चीजों का सेवन करें जो कि तासीर में ठंडी हैं, और साथ में लूज कॉटन क्लॉथ पहने। कोशिश करें अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो 12 से लेकर 3 बजे तक के समय में बाहर मत जाएं। इस समय सूर्य की किरणें सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। श्रोताओं, विश्व भर में 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका मकसद है लोगों में तंबाकू के सेवन को कम करना, उससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसी मकसद के साथ जिला प्रशासन रियासी ने एक अहम कदम उठाया है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर। वर्ल्ड टोबैको डे पे रियासी के जिला प्रशासन की ओर से एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले में आधार शिविर कटरा व कटरा से लेकर भवन परिसर तक टोबैको की सेल पर रोक लगा दी गई है। इस पर हमने बातचीत की रियासी के जिला विकास आयुक्त विशेष महाजन से। देखिए, आज 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी एक मीटिंग में टोबैको के मैं इम्पैक्ट देख रहा था एडवर्स, तो वो बहुत ज्यादा। तो शुरुआत करने के लिए माता का पूरा ट्रैक कटरा जो बेस कैंप है उसमें कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया है, उसका ऑर्डर तैयार है, उस पर थोड़ा सा और मंथन करके आज ही की डेट में साइन करेंगे। वो हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे पे कटरा के वासियों को माता के चरणों में एक हमारी प्रस्तुति। कुछ एरियाज होंगे अभी के लिए रेलवे स्टेशन से लेके भवन से लेके ताराकोट से लेके लगभग आप समझ लीजिए कि जो म्युनिसिपैलिटी का चेक पॉइंट है वहां तक हमारी कंसिडरेशन में है। ऑर्डर जैसे ही इशू होगा सोशल मीडिया में डेफिनेटली शेयर किया जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी इस कोशिश में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सहयोग करेंगे, और सिगरेट और तम्बाकू का इस्तेमाल जो है वो कटरा से शुरू करके धीरे धीरे हम लोगों की ये लत छुड़ा पाएंगे। हम कल आज की डेट का ऑर्डर इशू करेंगे विद इफेक्ट इमीडिएट होगा। कुछ लोगों के पास हो सकता है सामान हो, उनको 2-3 दिन 4 दिन चाहिए होंगे निकलने के लिए, तो वो कोशिश करेंगे कि वो निकाल के तो खत्म करें। रियासी से देवेंद्र ठाकुर। श्रोताओ, पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों की चोरी और इनका अव्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस समस्या को सांबा जिला प्रशासन ने एक नए रूप से सुलझाने का जतन किया है और रेत और बजरी तथा पत्थर को राजस्व का एक महत्वपूर्ण जरिया बनाया है। इसके बारे में एक विशेष रिपोर्ट लेकर हमारे सांबा संवाददाता सतपाल शर्मा। कभी सोचा नहीं था कि रेत, बजरी, पत्थर व मिट्टी से भी सरकारी खजाना भरा जा सकता है, लेकिन
खनन विभाग सांबा ने यह साबित कर दिखाया कि अगर सही तरीके से खनन किया जाए और खनन प्रभावित क्षेत्र के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए तो राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। जिला सांबा में खनन विभाग द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है और खनन द्वारा कितना राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है, जानकारी के साथ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर सांबा मोहम्मद सैयद। सतपाल साहब, ऐसा है कि जिला सांबा में हमारी कुल 19 लीज हैं अभी तक जो ऑक्शन हो चुकी हुई है। एक लीज, एक एरिया लीज जो है हमने माइनर मिनरल का जो है ब्लॉक हमने और आइडेंटिफाई कर लिया हुआ। पिछले दो सालों की बात करें तो पहले कोई तकरीबन 16 करोड़ के करीब हमने रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, जो सरकार को सरकारी खजाने में हमने जमा करा दिया हुआ। उससे दो सालों से पहले कोई तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब रेवेन्यू था एक साल का। तो मोटे तौर पर लेके चलेंगे 8 करोड़ और 8.5 करोड़ के करीब रेवेन्यू एक साल में हमने लाया। उसके साथ अब माइनिंग के रिलेटेड जब भी बात होती है तो एक नेगेटिविटी वो ये आती है कि इलीगलिटी इसके प्रीफिक्स में लगता है, दूसरी चीज जो है उसके आगे लगाते हैं कि भाई माइनिंग के रिलेटेड ये चीजें। अब माइनिंग की दो चीजें, क्योंकि जितना भी बिल्डिंग मटेरियल जो है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से जो मिनरल जो है एक्सट्रैक्शन होगा और फिर ताकि सारे हमारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे, एक्सट्रैक्शन जो है वो इस तरीके से हो कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो हमारे अनसाइंटिफिक तरीके से और हमारी लालच से जो एक्सट्रैक्शन इतना ना हो जाए कि हमारे जो नदी नाले और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। दूसरी चीज है जिसका मतलब है रॉयल्टी, सरकार को जो पैसा जो आना था उससे वो इवेड ना हो जाए। ये दो प्राइम जो ड्यूटीज हमारी रहती हैं, उसमें पहला ये है कि जो माइनिंग हो वो साइंटिफिक तरीके से हो विद प्रॉपर परमिशंस हो, और दूसरा ये है कि उसका जो रॉयल्टी है वो सरकार को प्रॉपर आ जाए। तो आप अगर ये तुलना करेंगे पिछले सालों के साथ इस साल दो सालों की, तो उसमें ये आप देखेंगे कि 1.5 करोड़ से 6 करोड़ या 8 करोड़ जो रेवेन्यू है 600% जो है 500% इंक्रीज जो है वो रेवेन्यू किया है। फिर दूसरा हमारा भाग रहता है कि इन्फोर्समेंट वाला पार्ट। इन्फोर्समेंट वाला पार्ट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, सीजर्स करते हैं, पेनल्टीज डालते हैं, फाइन इम्पोज करते हैं। वो इसलिए कि ताकि लोगों को बिना हेलमेट के कोई चल रहा है, फाइन इसलिए किया जाता है कि एक तो उसकी जान बचे और जो फाइन का थोड़ा सा अमाउंट है वो सरकार के खजाने में एज रेवेन्यू जाए। तो हमने लोगों की जान भी बचाई और हमने सरकार को रेवेन्यू भी दिया। तो इसी तरीके से हम अगर किसी को पेनालाइज करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली डंपर क्रशर्स या लीज जो है उनको अगर हम पेनल्टी इम्पोज करते हैं, तो उसका इम्पोज करने का मकसद ये है कि पर्यावरण का संरक्षण, और दूसरा ये कि बिना रॉयल्टी के बिना जो है वो जो मिनरल जो है वो चोरी के से ना चला जाए। तो अगर हम पिछले दो सालों की बात करें तो मोटे तौर पर 900 के करीब जो है हमने वो जो गाड़ियां और इलीगल डंप्स क्रशर्स जो है, तो ये 1.5 करोड़ के करीब तो हमने पेनल्टी जो है इस वक्त तक रिकवर कर चुके। तो ये सारी चीजें जो है एक तरफ से जहां हम नेचर से कुदरत से हम अगर अपनी धरती माँ से हम जो है वो रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो साथ साथ में हम एज ए सोसाइटी सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम वापस गिव बैक भी दें। वो गिव बैक इन द शेप ऑफ हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर उस एरिया में जो है वाटर टेबल को इंक्रीज करने की कोशिश की जाए। तो इसमें सोसाइटी का जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सांबा में कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोकल लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने एरिया का संरक्षण किया और वो मुबारकबाद के पात्र हैं, और कुछ एरिया में जो है वो संरक्षण में जो सिविल कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, उनका फोरफ्रंट पे आना भी जरूरी है। तो ये ताली दो हाथों से बजती है, दोनों तरफ से जो है वो हो ताकि हमारा सरकार का रेवेन्यू वो लॉस भी ना हो, एनवायरमेंट का संरक्षण भी हो, और अगर किसी ने घर बनाना है, नेशनल हाईवे के इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एम्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको जो मटेरियल है वो साइंटिफिक तरीके से मिले, सरकार को भी पैसा आए, रेवेन्यू भी आए और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी मिनिमाइज हो जाए। उम्मीद करते हैं कि जिला सांबा में खनन द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा हो और पर्यावरण संरक्षण भी बचा रहे, ताकि आने वाली नस्लों व फसलों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। समाचार दर्शन के लिए सांबा से मैं सतपाल शर्मा। तो श्रोताओ, आज के समाचार दर्शन में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया पल्लवी मेहरा ने, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक एन गुलशन रैना, और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।